गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो भाई, अपने हाथ में है ये अपना चावी और ये अपना स्विफ्ट की है। अभी हम इसको करवाने वाले हैं फ्लिप की के अंदर कन्वर्ट। आप जैसे कि देख सकते हो भाई, इसके अंदर हमें 3 बटन देखने को मिलेंगे, बाकी ईसीयू से कनेक्टेड होगी। जैसे अपनी ये ईसीयू से कनेक्टेड होती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये ओरिजिनल की है कंपनी के साथ से जो आती है। बाकी फिलहाल ये अपनी मशीन रहने वाली है, इसी पे ही अपनी जो है चाबी बनेगी सेम टू सेम एज इट इज़। जैसे इसमें कांटे लग रहे हैं ना, आपको देख रहे होंगे, वही सेम टू सेम कांटों की कट करके इसके हिसाब से ही चाबी बनेगी और इसके अंदर वो इनबिल्ड की जाएगी, फिर ईसीयू से कनेक्टेड की जाएगी। फिर देखेंगे भाई एंड में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? पुनाम भैया। तो भैया पप्पू नाम है इनका, ये करोल बाग में बैठते हैं यहाँ पर और अपना यहीं पे की मेकर है। किस नाम से भैया आपकी शॉप? ठुकराल की मेकर। ठुकराल की मेकर है भाई, देख लो। मतलब कोई भी गाड़ी की चाबी बनवाना चाहता है, फ्लिप की के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल थार हो गई या फिर अल्टो, अल्टो ही क्यों ना होगी, छोटी से गाड़ी बड़ी तक अगर मैं बोलूं तो बन जाएगी इजीली। हाँ जी, बन जाएगी। बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई बना के दिखा दो, आज अपनी ऑडियंस को मैं दिखाने वाला हूँ अपना फ्लिप की कैसे बनती है और उसका पूरा प्रोसेस देखना भाई आप। पहले अपनी भैया ने चाबी यहाँ पर लगा दी है जो हमारी ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आती है। भाई ये फिट हो गई है, देख लो, जो इसके कांटे है ना ये, इसके थ्रू वो कटिंग होगी, इस साइड वो चाबी लगेगी अपनी दूसरी। देखो भैया ने आधी इसको काट दी है, बाकी आधी दोबारा काट रहे हैं, उधर की तरफ से काट दी है, बाकी दूसरी तरफ से काट रहे हैं। तो गाइस देखो एज इट इज़ ऐसी चाबी बन चुकी है भाई, जैसे कंपनी से आती है ये चाबी अपनी लगी हुई है, ये देख लो भाई, और बाकी ये चाबी बनी है भाई, देख लो। अभी भैया इसको क्लीन करके इसको लगाएंगे इसके अंदर, फ्लिप की के अंदर लगाओगे ना भैया? भैया भी ये लगा रहे हैं इसे फ्लिप की के अंदर। भैया लगा के दिखाना ज़रा कैसे लगेगी। भाई ये लग गई है, अच्छा यहाँ छेद होता है इसके अंदर, मतलब ये लग जाता है, बिट लग जाती है। काटर बोलते हैं इसको, ये पूरा प्रॉपर फिट हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, चाबी लेना, और ये प्रॉपर फिक्स हो गई आपकी चाबी? अब फिक्स हो गई है ये एकदम परफेक्ट। तो भाई आप देखो यार, ये बिल्कुल, मतलब भैया एक बात बताओ, अभी जैसे कंपनी से चाबी आती है, ये जो अंदर की चीज होती है क्या होता है? ये ब्रश है जी। ये ब्रश है जो कंपनी वाले देते हैं, वही सेम चीज होती है ये तो भाई इतने सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, देख लो। आप में से अगर कोई भी फ्लिप की का अगर शौकीन है ना, कोई भी गाड़ी की लगवा सकता है। अगर मान के चलो अगर कोई बंदा किया में लगवाना चाह रहा है, मारुति में लगवाना चाह रहा है या किसी में भी लगवाना चाह रहा है, लग जाएगी सब में। तो भाई देख लो, अगर जो भाई बेस मॉडल लेता है ना उसकी फ्लिप की अगर बनवानी है भाई को, तो इजिली बनवा सकता है, इतने सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बाकी ये भाई ने फ्लिप की बनाई है अभी, जो हमारे पप्पू भाई है भाई। अभी फिलहाल जो पुरानी थी उसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ भाई, देखो पुरानी ये है और नई ये है। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, ये अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की है और ये ख़राब हो गई थी जैसा कि आप देख रहे हो भाई, इसीलिए भैया ने इसमें जो है अपना फ्लिप की के साथ कन्वर्ट किया है। ये देख लो भाई, ये फ्लिप की है इसकी, ऐसी देखने को मिलती है जो भी बन के तैयार हुई है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। तो वैसे इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही थी भैया वैसे इसमें? पानी में ये रिमोट चला गया था इनका, वॉशिंग मशीन में। अच्छा, रिमोट पानी में चला गया था, धुल गया था ये? धुल गया था ये, तो खराब हो गया, रिमोट बेकार हो गया आपका। ओके, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लिप की में। अच्छा, फ्लिप की भी चाहिए थी। ओके, और उनका दोनों काम हो गए, ये रिमोट भी इनका ऐसे काम करेगा जैसे है। ओके, और वो भी हमने रिपेयर कर दिया है इनका, ये भी रिपेयर कर दिया। हाँ जी, मतलब ये भी चालू है, ये भी वर्किंग है। तो भाई अभी मैं ये भी दिखाऊंगा आपको, अभी फिलहाल चलते हैं गाड़ी में, ये ईसीयू से कनेक्ट करेंगे। भैया का 5 मिनट का प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस जो होगा भैया से पूछेंगे, अपने पप्पू भाई से, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ काम करती है अपनी ये फ्लिप की या नहीं करती काम। और भाई ये भी चेक करेंगे, जो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसमें चेक इंजन लाइट तो नहीं आती, जब हम इस चाबी को एंटर करेंगे तो ईसीयू की लाइट आती है, तो वो भी चीज़ चेक करने वाली, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो गाइस वीडियो में बने रहना। तो भाई ये स्विफ्ट है, ये वाला मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है भैया? 2016 मॉडल है। तो भाई 2016 मॉडल की जो है अपनी फ्लिप की बनी है, अब इसके अंदर देखेंगे भाई ये ईसीयू से कनेक्ट होती है नहीं होती है, या फिर कोई चेक इंजन लाइट या फिर कुछ ऐसा आता है नहीं आता। फाइनली हम इसके अंदर चाबी एंटर करने वाले हैं, जो अपनी नई चाबी बनी है फ्लिप की। ये देखो भाई, ये देखो ऑन हो गई है भाई, ठीक है। तो अभी इसकी जो है ना प्रोग्रामिंग होना बाकी रह गई है, बाकी फिलहाल मैं भी आपको इसको दिखाता हूँ। ये आउट हो गई है और ये भाई अपना ऑन हो गई है, इस रिमोट से ओरिजिनल वाले से ये काम कर रही है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अनलॉक, और इससे नहीं कर रही ना, इससे अभी काम नहीं, इससे नहीं कर रही भाई, देख लो अभी प्रोग्रामिंग होगी इसके, अभी ये रिमोट प्रोग्राम करना है मैंने, चाबी ऑन करी, चाबी करी, ये लो भैया। ये रिमोट प्रोग्राम हो गया आपका, ये दोनों रिमोट आपके वर्किंग हो गए हैं। और तेरी, और ये अब ये देखिए लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, ये देखो अंदर इंडिकेटर लगा रहा है, देखो भाई देखो, ये लॉक
देखो भाई आपको लगेगा कहीं मैं दूसरी चाबी से कर रहा हूँ, दूसरी चाबी इसकी ये पड़ी हुई और एक और इसकी चाबी पड़ी हुई है भाई ये वाली जो अभी आपने देखा था स्टार्टिंग में। अभी फिलहाल जो चाबी बनी है भाई वो अपनी ये बनी है जो अपने भैया है, अपने पप्पू भैया ने जो बनाई है। अभी फिलहाल देखो आप इस पर यहाँ पर ध्यान देना, ये भाई अनलॉक अनलॉक है और ये लॉक है, ये अनलॉक ये लॉक। भाई जो पीछे हल्ला हो रहा है ना उसको अवॉइड करना, बाकी फिलहाल जो है ना ये आप चेक करो अनलॉक और लॉक। बाकी भैया ने जो प्रोग्रामिंग करनी थी वो प्रोग्रामिंग हो गई है, अभी मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। और बाकी ये जो इसकी ओरिजिनल चाबी है इससे भी देख लो आप, ये देखो भाई ये अनलॉक ये लॉक दोनों चाबी वर्किंग में है, किसी से भी आप अनलॉक लॉक कर सकते हो। भाई अभी देखो अब मैं इसे लॉक कर रहा हूँ, ये लॉक हो गई है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो भाई इंडिकेटर पे ध्यान देना, अभी जैसे मैंने लॉक कर रखा है ना तो फ्लैश हुआ है, अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो देखो अनलॉक हो गया फ्लैश हुआ है। और ये देखो भाई ठीक है, अब मैं इसको लॉक करता हूँ तो अब देखना भाई, देख लो आपने जैसे कि देखा फ्लिप की बन चुकी है और ये बनाई है अपने पप्पू भैया ने। तो पप्पू भैया एट द एंड अब इसका प्राइस बता दो यार, ये कितने की बन के तैयार हुई है? ₹1000 की है सर। ₹1000 की, मतलब पूरी प्रोग्रामिंग करने के बाद फ्लिप की के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो है आपका सेंसर जो है वो आपका इंडिका गाड़ी वालों का ही लगा है, आपका ही लगा। अच्छा, मतलब चाबी का निकाल के सेंसर इसमें घुसा दिया आपने। अच्छा, अगर आप सेंसर जैसे इनका लगाना है ₹1000 और सेंसर के साथ बनानी है ओके ₹1500। सेंसर के साथ बनानी जो अपना पर्सनल आप सेंसर बनाओगे जी, फिर उसके साथ ही ₹1500 की चाबी बनके तैयार होगी। अगर बिना सेंसर के बनवा रहे हैं तो ₹1000 की फ्लिप की तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तो मतलब ₹500 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो भाई उसमें आपको जब सेंसर आपने बनवाना है तो उसके लिए मुझे आरसी या लाइसेंस दोनों आपका आईडी प्रूफ चाहिए। अच्छा, तो मतलब भैया का ये कहना है ये बिना आरसी और बिना आईडी प्रूफ के काम नहीं करते, आईडी प्रूफ और आरसी जब आप दे दोगे तभी भैया जो है ना आपकी जो फ्लिप की बना के देंगे। मतलब भाई कोई भी चोरी कर सकता है यार, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप में से कोई भी आना चाहता है इजीली आ सकता है। भैया आपका नंबर क्या है? 9958272786। भाई आपको नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा और मैं भैया का जो है ना यहाँ पर स्क्रीन पे भी फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। और ये करोल बाग के मार्केट के अंदर ही है जो भैया काम करते हैं। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना जो भी भाई फ्लिप की बनवाना चाहता है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।